हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर किचन। फ्रेंड्स, आपने मैगी पास्ता की रेसिपी तो बहुत बार ट्राई की होगी, लेकिन आज जो मैगी पास्ता की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये एडेड इंग्रेडिएंट्स वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है जो कि इसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा और ज़्यादा एनरिच करेगा। ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाला है। तो आइए इस चीज़ी मैगी पास्ता की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लेट्स कुक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है मैगी का चीज़ मैक्रोनी पास्ता। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर इसका टेस्ट मेकर भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग एक कढ़ाई में 2 कप पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप पानी ले लिया है और अब हम लोग गैस को ऑन कर देंगे और मीडियम पे कर देंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारा जो मैक्रोनी है उसे, और साथ में इसके टेस्ट मेकर को भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट मेकर ऐड कर दिया अच्छे से, और अब इसको गैस को हम लोग हाई कर देंगे और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो हमारा टेस्ट मेकर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए पानी में। और अब उबाल आने देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स उबाल आने लगा है पानी में, और अब इसे हम लोग कम से कम 7-8 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि हमारा मैक्रोनी सॉफ्ट ना हो जाए। इसे लगातार चलाते हुए हम लोग पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पास्ता जो है पक गया है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच वेज मायोनीज के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1 क्यूब ग्रेटेड प्रोसेस्ड चीज़। मैंने यहाँ पे अमूल का प्रोसेस्ड चीज़ लिया है। आप चाहे तो चीज़ स्लाइस भी ले सकते हैं इसके जगह। इससे हमारा जो मैक्रोनी है और ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, और रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना क्रीमी दिख रहा है, कितना चीज़ी दिख रहा है ये। तो अच्छी तरह से मिक्स करके हम लोग गैस को अब बंद कर देंगे। ये हमारा चीज़ी मैक्रोनी रेडी है। तो हम लोग गैस को अब बंद कर देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लीजिए ये एक्स्ट्रा इन्ग्रीडियंट्स वाला चीज़ी मैक्रोनी रेडी है। देख सकते हैं आप लोग कितना सॉफ्ट हुआ है और कितना क्रीमी दिख रहा है ये हमारा मैगी पास्ता। तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर इस चीज़ी मैक्रोनी को बनाइए, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर देती हूँ काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, और ये लीजिए एक्स्ट्रा यम्मी एक्स्ट्रा चीज़ी मैगी पास्ता रेडी है। ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा बच्चों को और बड़ों को भी। बनाना बहुत ही आसान है। तो एक बार इस तरह से इस मैगी पास्ता की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए, और मुझे बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ ही ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।